नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। जिला बहराइच से बड़ी खबर। बहराइच में एक शख्स ऐसा जो प्रतिदिन 4 से 5 घंटे करता है सूर्य दर्शन, 11 से 4 तक करते हैं सूर्य दर्शन। जी हाँ, यह घटना है बहराइच जिले के तेजवापुर ब्लॉक के निवादा ग्राम सभा का, जहां के निवासी योगी अनिल वाजपेयी 2008 को रात्रि में ब्रह्म दर्शन के उपरांत 28 मई 2008 से लगातार प्रतिदिन 4 से 5 घंटे सूर्य दर्शन करते आ रहे हैं तथा उनका दावा है कि समय आने पर पूरे 8 घंटे में सूर्य दर्शन करूंगा। हमारे संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि विश्व में सतयुग की पुनर्स्थापना तथा कोरोना महामारी का खात्मा हो, प्रभु श्री राम के योग से उत्पन्न मैं सूर्य दर्शन कर रहा हूं और भविष्य में प्रत्येक जिले एवं प्रत्येक धार्मिक स्थल पर जा करके सूर्य दर्शन करूंगा, जिससे लोक कल्याण हो। वाजपेयी जी, पहले आप अपना परिचय दें। मैं योगी अनिल वाजपेयी, आध्यात्मिक साधना में सन 2008 से लीन हूं। आप ये जो सूर्य दर्शन करते हैं, ये कब से कर रहे हैं? 26 मई 2008 रात 2:45 बजे ब्रह्म दर्शन प्राप्त करने के उपरांत 28 मई प्रातः 10 बजे ब्रह्म शक्ति से की प्रेरणा से ये सूर्यदर्शन मैं लगातार कर रहा हूँ और ये सूर्यदर्शन मैं पहली किरण से आखिरी किरण तक भी करता हूँ। इसका कोई और औचित्य? इसका उद्देश्य वैदिक धर्म में वर्णित चेतना शक्ति को प्रकट करना है। और कटिंग करो जी। ये जो आप अध्यात्म के जरिए सूर्य दर्शन कर रहे हैं, इसके विषय में भविष्य की प्लानिंग भी आप हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। अभी तक मैं ये अज्ञात रूप से सन 2008 से लगातार कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने ये संकल्प लिया है कि सतयुग नवनिर्माण की पुनर्स्थापना, विश्व शांति की स्थापना व भारत एक बार पुनः विश्वगुरु बने व इस समय फैली हुई महामारी कोरोना महामारी का अंत हो, इसके लिए मैं निकट समय में सार्वजनिक रूप से किसी स्थल पर को चुनकर वहां अस्थायी रूप से सूर्यदर्शन करने का कार्य करूंगा। इसके लिए मैंने यह संकल्प लिया है कि भारत के सभी शहरों में, सभी जिलों में बारी बारी से कुछ कुछ समय के लिए सूर्यदर्शन करते हुए सतयुग की पुनर्स्थापना हो, इसके लिए प्रयास करूंगा और विश्व शांति की स्थापना हो, भारत पुनः विश्व गुरु बने और कोरोना महामारी का अंत हो, इसके लिए मैं भारत के सभी शहरों में बारी बारी से सूर्यदर्शन करने का काम करूंगा। जी, धन्यवाद। देवीपाटन मंडल ब्यूरो अशोक कुमार यादव की खास रिपोर्ट।